ब्रांचेस को कोविड 19 केयर सेंटर्स में कन्वर्ट करने का कार्य कर रही है। इसी सिलसिले में बनारस मंडल को 32 कोच का टारगेट दिया गया है। 32 ICF कोच हम लोग कन्वर्ट करके उसको कोविड 19 केयर सेंटर में कन्वर्ट करेंगे। ये काम कल से चालू हो गया है। आप देख रहे होंगे 2 कोच यहाँ रखे हैं जिन पर ये काम शुरू हुआ है और आज शाम तक ये काम, ये दोनों कोच का काम कंप्लीट हो जाएगा। और हमें 20 कोच मरवाड़ी डिपो में यहाँ से आयजत नगर से मिल रहे हैं और 12 कोच गोरखपुर से हमें मिलेंगे जो छपरा में जाएंगे, तो उन पर भी काम हम लोग शीघ्र शुरू करेंगे। और सारे के सारे कन्वर्सर्स जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से 14 अप्रैल के बीच में हम लोग कंप्लीट कर लें। बनारस के लिए कितने कोचेस सुरक्षित रखे जाएंगे? अब ये तो मुख्यालय डिसाइड करेगा, बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन कोच में एक खासियत क्या होगी इन कोचेस की। इन कोचेस में दोनों साइड टॉयलेट रहता है, आपको पता है। एक साइड का एक टॉयलेट को कन्वर्ट किया जाएगा बाथरूम में, जो इंडियन स्टाइल टॉयलेट है उसको बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इन टॉयलेट्स में नई अच्छी क्वालिटी की टैप्स वैप्स और फिटिंग्स ये सब लगाई जा रही हैं। और इसमें एक तरफ का जो एंड केबिन है, सबसे पहला केबिन पड़ता है, उसको डॉक्टर्स का केबिन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। डॉक्टर्स वहाँ आकर के बैठ सकेंगे, मरीजों को देखने का काम कर सकेंगे और उसे आइसोलेट किया जाएगा कर्टन्स द्वारा। दूसरे साइड का जो एंड केबिन है वो मेडिकल स्टोर में कन्वर्ट किया जाएगा, दवाइयाँ और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो है वहाँ रखी जाएंगी। बीच के जो 8 केबिन्स हैं उनको कन्वर्ट किया जा रहा है केबिन्स में। उसके लिए बीच वाली बर्थ जो है, थ्री टीयर स्लीपर कोचेस की बीच वाली बर्थ को निकाल दिया जा रहा है और हर केबिन में करीब 4 पेशेंट्स को रेस्ट करने की जगह रहेगी। इसके अलावे पानी के बॉटल होल्डर्स, ड्रिप होल्डर्स की व्यवस्था की जा रही है और सारे लाइट फैंस और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब अच्छे वर्किंग कंडीशन में रहें। इसके अलावे ऑक्सीजन सिलेंडर होल्डर्स ये सब भी इसमें लगाए जाएंगे।